नगरपालिका अध्यक्ष दिखाई दिए एक्शन मोड में, लोहारिया तालाब पर हुए अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई। सागवाड़ा, डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगरपालिका अंतर्गत लोहारिया तालाब के पेटे के अंदर ठेकेदार द्वारा डाली गई मिट्टी और लोहारिया तालाब के किनारों पर अतिक्रमण को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लोहारिया तालाब पर ठेकेदार राधेश्याम टोंक को बुलाकर पेटे से मिट्टी निकालने के आदेश दिए। कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी एवं तहसीलदार डॉक्टर मयूर शर्मा ने मौके पर अतिक्रमण को हटाने के निर्देश देते हुए अतिक्रमण करने वालों को पाबंद किया। ज्ञात रहे पिछले दिनों लोहारिया तालाब संरक्षण समिति और नगर के नागरिकों ने अतिक्रमण और तालाब के पेटे में डाली गई मिट्टी को लेकर काफी रोष जताया था, जिसको लेकर नगरपालिका अध्यक्ष ने संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए तुरंत तालाब के पेटे से मिट्टी हटाने के निर्देश दिए हैं। ठेकेदार द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए जेसीबी लाकर मिट्टी हटाने की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी। इस दौरान भिखाबाई माही परियोजना सागवाड़ा तारमल गहलोत अधिशासी अभियंता, आशुतोष पाटीदार सहायक अभियंता, पीयूष पाटीदार कनिष्ठ अभियंता, महेंद्र डामोर कनिष्ठ अभियंता एवं पटवारी विनय पुंजोत आदि मौजूद थे। आज लोहारिया तालाब पर सागवाड़ा लाइव न्यूज के माध्यम से मैं नगर की जनता को अवगत कराना चाहता हूँ कि लोहारिया तालाब के पास से एक माही कैनाल गुजर रही है, जिसका कार्य पिछले वर्षों में हुआ था और उसमें टेक्निकली एक मिस्टेक रह गई थी कि ये नहर जो तालाब के किनारे है, माही नहर, उसमें तालाब का पानी लीकेज होकर के उस नहर में जा रहा था, जिस कारण से तालाब हमेशा बरसात में भर करके भी खाली हो जाता था। तो नगर की 36 कौम की जनता ने सरकार से मांग की, हमारे जिलाध्यक्ष माननीय दिनेश जी खोडनिया के पास ज्ञापन भी लेकर के गए और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई इस बात की कि सर, ये सागवाड़ा की हमारी लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है हमारी लोहारिया तालाब, तो इस तालाब का पानी भरने से नगर के सारे जितने भी हैंडपम्प बोर हैं उनका जल स्तर काफ़ी ऊंचा रहता है, मगर अफसोस कि ये नहर में तकनीकी खराबी रह जाने के कारण से ये तालाब हमेशा खाली रहता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को सुन करके और इनकी मांग को जायज़ समझ करके और लगभग इन्होंने 3 से 3.5 करोड़ रुपया इसके लिए मेंटेनेंस के लिए इसको दिया गया और आज उसका काम हो रहा है। मगर पिछले 6-7 दिन पहले यहाँ लोहारिया तालाब संघर्ष समिति के सारे सदस्य, हमारे गट्टा भाई वार्ड पार्षद और इस वार्ड में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर मौके पर आकर के जब देखा तो ठेकेदार के द्वारा जो मिट्टी यहाँ तालाब के अंदर कैनाल के आसपास जो सपोर्ट के लिए लगाई जा रही थी, उसके अलावा भी कुछ मिट्टी ऐसी थी कि जिसके कारण से बरसात के अंदर ये तालाब उस मिट्टी के कारण से कम भरता और मिट्टी यदि वो हटा दी जाएगी तो तालाब की गहराई भी और ज़्यादा होगी। तो आज हमने मौके पे आए हैं, मैं तहसीलदार साहब के साथ और एक्सिन साहब हैं, एन साहब हैं, जयन साहब हैं, संबंधित विभाग के सभी हैं और उनको उनसे अवगत कराया, उन्होंने इस समस्या का समाधान करने के लिए मुझे कहा है। जनता को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी प्रकार से हमें इसमें कोई शंका नहीं रखनी चाहिए और पूरी तरह से इस बरसात में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अधिक से अधिक बारिश पड़े और ये तालाब पूरा भरे और इस तालाब का उपयोग हम कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज लोहारिया तालाब का निरीक्षण श्रीमान तहसीलदार साहब और नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमान खोडनिया साहब की देखरेख में किया गया, जिसमें इन्होंने पाया गया कि भाई जो मिट्टी ओरिजिनल जो मिट्टी नहर खुदाई की है वो थोड़ी सी ऊँची है अभी बाद में, तो उन निर्देश के अनुसार इसको वापस लेवल करा के सही करने का काम प्रोग्रेस है। इसके अलावा जो लोहारिया तालाब के ऊपर अपस्ट्रीम नहर जो है उसके अपस्ट्रीम ड्रेन है, वो ड्रेन आगे कास्ट कारण रोक रखी थी, तो श्रीमान तहसीलदार साहब ने पूरा प्रयास करके हाथ कास्टकार को समझाया कि भी ये यहाँ पे जो ज़मीन हमारी है सरकारी ज़मीन, वहाँ तक आप खेती छोड़ के आगे करें, तो कास्टकार भी राज़ी हो गए और अभी इसका काम हाथ शुरू करा भी दिया गया। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।